250 LPM ऑक्सीजन का उद्घाटन प्लांट, मरीजों के बेड तक डायरेक्ट पहुंचेगी ऑक्सीजन। हरदोई में खाद्य विभाग की टीम ने किराना दुकानदार के यहाँ की छापेमारी, 3 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे, जांच रिपोर्ट आने पर की जाएगी अग्रिम कार्रवाई। बाराबंकी में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, अब तक 9 की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्कूल पर आतंकी हमला, 2 शिक्षकों की मौत, लगातार हो रहे आम नागरिकों पर आतंकी हमले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा कैंट रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हो गया है। बता दें कि प्लांट का उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने किया। ये ऑक्सीजन प्लांट 250 एलपीएम ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा, जिससे अब मरीजों के बेड तक डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंची पाएगी। और वहीं AGRM मुदित चंद्रा, CMS रेलवे अस्पताल में इस उद्घाटन के दौरान रेलवे के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। तो कैंट रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि अब डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो मरीजों तक पहुंच पाएगी। बहुत ही उपयोगी है, कोरोना मरीजों के लिए तो है ही है, लेकिन इन जनरल भी जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सब ज़रूरत रहती है, उसको हम लोग इसी ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा ही मतलब पूरा करेंगे। वैसे अभी तक हम लोग सिलेंडर भरवा के मंगवाते थे, तो वो अब ये बेड टू बेड ये ऑक्सीजन डायरेक्टली पेशेंट के पास पहुँचेगा। एयर से तैयार होगी जी, एयर से तैयार होगी, सबको दे दो, इधर भी वायु से तैयार होगा, सबको दे दो। एयर को, एयर कितनी ऑक्सीजन बनाएगा एक दिन में? एक दिन कोई नहीं है, ये जो देगा वो 250 लीटर पर मिनट के हिसाब से देगा कंटिन्यूस। हम इसको 250 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगरा कैंट पर जो 250 LPM का जो ऑक्सीजन प्लांट है, उसका यहाँ विधिवत उद्घाटन हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज एक ये ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है, उनके द्वारा इंस्टॉल हुआ है। हम देश के प्रधानमंत्री को जो बहुत बहुत बधाई देते हैं, बल्कि उनका आभार भी प्रकट करना चाहते हैं कि आगरा जो कैंट हॉस्पिटल है उसके अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है, उसकी वजह से मरीजों की जान नहीं जाएगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। और पूरे देश के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री ने 1-1 हज़ार LPM के बहुत सारे प्लांट ये पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने लगाए हैं, और ये देश की जनता की भलाई के लिए लगाए हैं, और हम उनका प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। हरदोई के शाहबाद के मुख्य बाजार में खाद्य विभाग की टीम ने किराना दुकानदार के यहाँ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने किराना दुकानदार के यहाँ से 3 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया है। वहीं खाद्य विभाग की छापेमारी की खबर लगते ही आसपास के कई दुकानदार दुकानें बंद कर भाग निकले। खाद्य विभाग की टीम के अधिकारी ने बताया कि जांच के लिए भेजे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे भी मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी रखने की बात भी कही है। तो हरदोई में खाद्य विभाग के एक्शन से किराना दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दरअसल खाद्य विभाग यहां पहुंचा और किराना दुकान में छापेमारी की है। आसपास की जो और दुकानें थी उन्होंने तुरंत दुकान बंद की और मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि लगातार जानकारी मिल रही थी, शिकायतें मिल रही थी आसपास के लोगों द्वारा कि किराना की दुकान जो है वहां पर जो चीज़ें हैं वो मिलावटी हैं, कई ऐसी हैं जो नकली कंपनी की है, जिस वजह से वहां पर छापेमारी की गई है। जो है आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से ये दशहरा और दिवाली त्योहारों के दृष्टिगत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत व्रत में प्रयोग होने वाली सामग्री और इन चीज़ों की जांच की जा रही है, और गड़बड़ मिलने पर उनका नमूना संग्रहित किया गया। यहाँ आपके यहाँ से 3 नमूने संग्रहित किए गए हैं, एक जो है कुट्टू आटा का और एक मखाना का, एक साबूदाना का। मथुरा के थाना छाता कोतवाली के अहूरी गांव के रहने वाले 2 चचेरे भाइयों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला करते हुए करीब
70,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अहूरी गांव निवासी नीरज अपने चचेरे भाई सुनील के साथ मथुरा से गेहूं बेचकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान उन लोगों पर नामजद व्यक्तियों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया और सुनील के हाथ में गोली मारकर रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर मौजूदा ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से सुनील को मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने बताया कि करीब 11 बजे उनके पास दो मरीज आए थे, जिनमें से एक का नाम नीरज और दूसरे का नाम सुनील था। डॉक्टर ने बताया कि सुनील के हाथ में एक घाव था, जिसका कारण मरीज गोली लगना बता रहा था, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसी के चलते सुनील को जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर भी कर दिया गया। आज ये घटना हुई थी, सुबह हमने अपने गेहूँ भरे थे मथुरा से बेच के आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोग जंगल में के निकले, उन्होंने आते ही डंडा लौटी से सिर मेरा फोड़ दिया यहाँ से और डंडा मारने लगे। हमने शोर शराबा करा तो गांव पास में जुताई हो रही थी सरसों के लिए, लोग भाग आए। उन्होंने एक ने धर्म सिंह ने कहा साले गोली मारो भाग जल्दी, लोग आ रहे उन्होंने गोली मारी और मोटरसाइकिल सब मारा गया, गोली मार के भाग गए। गांव के थे पहले से ही धमकी दी थी। कौन कौन लोग थे आप? धर्म सिंह था, धर्म सिंह ने कहा था गोली मार और कान में एक तमंचा निकाल के चलाया था। श्रावस्ती में एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिले के मलहीपुर के हरवंशपुर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती की तस्वीरें आप देखेंगे, पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पिकअप चालक को पकड़ लिया, उसकी पिटाई भी की है। पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप चालक को छुड़वाया और थाने ले आई है। बाराबंकी में दिल्ली से बहराइच जा रही बस और दूसरी ओर से आ रहे ट्रक में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में करीब करीब 14 यात्रियों की जान जा चुकी है, जबकि घटना में करीब 30 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई यात्रियों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। पूरा मामला बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के बबुरिया गांव का है, जहां आज सुबह करीब 5 बजे जैसे ही दिल्ली से बहराइच जा रही टूरिस्ट बस देवा कोतवाली क्षेत्र में किसान पथ पर बबुरिया गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे ट्रक की बस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वही दुर्घटना की सूचना पाते ही भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की मदद से राहत बचाव काम शुरू किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाराबंकी में हुई इस सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे की भी घोषणा की है। तो बाराबंकी में टूरिस्ट बस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि बता पाना मुश्किल है, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, 14 लोगों की जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये देवा थाना क्षेत्र में बबुरी गांव के पास में एक बस जो दिल्ली से बहराइच जा रही थी, उसमें काफ़ी यात्री सवार थे और एक सामने से अनियंत्रित ट्रक आया, उससे एक्सीडेंट हो गया जिसमें 27 लोग घायल हैं और 9 लोगों की डेथ हो चुकी है और सभी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। यहां से जो सीरियस थे उनको रिफ़र करा के ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया है और तत्काल पुलिस प्रशासन सभी लोग मौके पर मौजूद रह करके गाड़ियों को अलग कराया गया और वहाँ से जो घायल थे उनको निकाल करके प्राथमिकता के स्तर पर उनका उपचार कराया जा रहा है और जल्दी से जल्दी रिकवर कराने के लिए पूरा मेडिकल टीम, प्रशासन और पुलिस में व्यवस्था लगी हुई है। सभी लोग मौके पर मौजूद रह करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, शुरुआती जानकारी क्या रही, कैसे हादसा हुआ है? अब इसकी जानकारी ये थी कि आमने सामने से कोलाइड हो गया है बस और ट्रक, इसी में ये एक्सीडेंट हुआ है।
आज अर्ली मॉर्निंग पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि किसान पथ जो पड़ता है हमारे जनपद में, वहाँ पे बहराइच से दिल्ली एक प्राइवेट वोल्वो बस जा रही थी, उसकी भिड़ंत सामने से आ रही एक ट्रक से हो गई, जिसके कारण ये दुखद हादसा हुआ है और इसमें अभी तक 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 27 लोग घायल हैं, जिसमें से जो गंभीर रूप से घायल लोग थे उन सबको हम लोग ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। सर पता नहीं, हम तो सो रहे थे। तो कुल्लू मनाली से कहाँ? दिल्ली से बस पकड़ी के घर जाने। और कहाँ जा रहे थे? अब बहराइच। हम आ रहे थे दिल्ली से, बैठे हैं। हाँ। मतलब आए थे कुल्लू मनाली से। कहाँ जा रहे थे? ये करने लगे। कैसे हो गए ये? अब ये हम लोग को नींद लग गई थी, हम लोग को इतना नहीं पता है कि घूम गई तब देखो। कुल कितने लोग थे गाड़ी में? कुल ज़्यादा नहीं, तो 70-75 बंदे तो थे कम से कम। कितने लोग खत्म हो गए हैं, मर गए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मस्तराम। कहाँ रहते हो? जगतापुर डीहा में रहता हूँ, और थाना कन्नेलगंज है, वो तहसील कन्नेलगंज है, कर्रा थाना। कहाँ से गए, जा रहे थे कहाँ से? दिल्ली से आए थे, कन्नेलगंज जा रहे थे। तो कैसे हो गया, कुछ जान पाए? ये अचानक में ही हुआ, रात में 4 बजे के टाइम। तो कैसे हुआ, किससे हुआ है? ट्रक से। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं कुछ पता है? ये तो नहीं पता है। आपके साथ के लोग? हमारे साथ के लोग 2 लोग नहीं मिल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को घटी हिंसक घटना के बाद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी के सांसद ने लिखा, वीडियो बिल्कुल साफ है, विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता। बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। वरुण गांधी ने लिखा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के निशंस नरसंहार की घटना में हुई FIR में नामित और इस घटना में संलिप्त अन्य संदिग्धों साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी ना होना देश के नागरिकों के मन में संशय पैदा कर रहा है। देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, इस नए वीडियो में घटना स्पष्ट है। बता दें कि इससे पहले भी वरुण गांधी किसानों के समर्थन में ट्वीट करते रहे हैं, वो घटना के बाद इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके हैं। अपने खत के जरिए वरुण गांधी ने मांग की थी कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोषियों को गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, यूपी की पुलिस अब तक ये भी तय नहीं कर पाई है कि आखिर आरोपी है कौन। हमीरपुर में लंबे समय के बाद नवरात्रों पर मंदिरों में भीड़ भाड़ देखने को मिली है, जहां सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देवी मां के मंदिरों में महिलाओं की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि पिछले काफी समय से कोरोना के चलते नवरात्र में भक्तों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जो इस बार हटा दी गई है। वहीं हरदोई में भी शारदीय नवरात्रों के पहले दिन मंदिरों में माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई भक्तों द्वारा, और सुबह से ही मंदिरों के बाहर पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की कतारें भी लगनी शुरू हो गई। लोग उत्साह के साथ मंदिरों में पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना करते नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं हमीरपुर हरदोई, जहां पर नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली है भक्तों की, खासा उत्साह भी देखने के लिए मिला है। हालांकि कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आ रहे थे, मास्क लगाते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। हालांकि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार मंदिरों में अगर आप जा रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए तो आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पीलीभीत में भी आज नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां हर्षोल्लास के साथ भक्त माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे थे। देखिए क्या है पीलीभीत में मंदिरों का नजारा। नवरात्र जो है शुरू हो चुके हैं, आज से 9 दिन तक जो है माँ दुर्गा माँ की जो है पूजा होगी। किस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना लोगों का।
क्या नाम है आपका? मेरा नेम अनु गौड़ है। ये जो नवरात्र जो शुरू हो गए आज से, ये कितने दिन तक मनाया जाएगा और किस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है? आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं, आज पहला दिन है, पहला देवी व्रत स्टार्ट हो गया है। कुछ लोग 9 दिन तक पूजा करते हैं, कुछ लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, कुछ परवा और आठे का व्रत रखते हैं, और अष्टमी को कहीं कहीं अष्टमी को व्रत खोला जाता है, कहीं नवमी को व्रत खोलते हैं, 9 कन्याओं को उसमें जिमाया जाता है। और धार्मिक त्यौहार है, हिंदुओं का है, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ है। तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है, क्या 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 विधि विधान है? देवी जी की पूजा की जाती है, इसमें देवी जी को स्थापित किया जाता है, कलश रखकर, नारियल रखकर, और उनका पूजन किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, और वही प्रसाद, फूल, धूप बत्ती। अच्छा, अब जिस तरीके कोरोना काल चल रहा है, लगातार कोरोना चल रहा है, 2 साल से लगातार कोरोना, तो इन 2 सालों में क्या कैसे त्यौहार मनाया जिस तरीके कोरोना काल में? त्यौहार का यही था, जैसे कि मंदिर आपने भी देखा है, मंदिर सारे बंद ही थे जब पीक पॉइंट था कोरोना का, तो मंदिर सारे बंद थे। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों में श्रद्धा का भाव भी है, तो आ भी रहे हैं, कुछ लोग बचते भी हैं, जैसे कुछ और मैं नहीं लगाई हूँ, तो अभी तो खैर कम हो गया है इसलिए नहीं लगाए हैं, बट इसी तरीके से पूजा की गई है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना उनका लेके। भैया क्या नाम है आपका? प्रेमपाल राणा। आप आज मंदिर आए हैं जी, नवरात्र शुरू हो चुके हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और जिस तरीके कोरोना चल रहा था, तो आज कितने टाइम बाद आप यहाँ मंदिर आए? मैं तो दरअसल मैं लखीमपुर से, मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो मेरे फर्स्ट टाइम यहाँ मैं इस मंदिर पर आया हूँ, तो मैंने सुना था इस मंदिर का नाम, तो मैंने सोचा कि यहीं। लगभग कितना समय हो गया आपको पीलीभीत जनपद में? मुझे बस अगस्त में आया था। अगस्त में आया, तो हर बार त्यौहार पे नवरात्र पूजा पाठ करने जाते हैं, पहली बार जो है आप? नहीं, मैं हर बार मैं हर बार जाया करता हूँ, यहाँ तो नहीं था, इससे पहले वहाँ लखीमपुर में मैं अपने संगड़ा देवी मंदिर पे जाया करता था। तो ठीक, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है लोगों का इस त्यौहार को लेकर। क्या नाम है आपका? तारावती। तारावती, आज बताना चाहेंगे, आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो क्या कुछ विधि विधान है, किस तरीके पूजा पाठ की जाती है, और अभी जो है अब दशहरा भी त्यौहार आ रहा है, तो किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है? सही तरीके से की जाती है पूजा पाठ, सब लोग सही करते हैं, जैसे सब भक्त हैं माता के। राम मंदिर की अगर बात की, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, तो दिवाली भी आ रही है, ठीक है, तो दशहरा मनाया जाए, तो किस तरीके से मनाएंगे, क्या लगता है आपको? अच्छी बात है, सही है, बढ़िया है। आप बताएंगे किस तरीके से त्यौहार मनाएंगे? दशहरा, हाँ दशहरा, दिए जला के बनाए जाते हैं, दशहरा दिए जला के बनाए जाते हैं। नहीं, जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो आप किस तरीके खुशी जाहिर करेंगे? आप कुछ नहीं, पूजा पाठ करके ही करेंगे। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, लोगों से जाना कि जिस तरीके से ये जो त्यौहार है नवरात्र का, ये 9 दिन तक मनाया जाता है, उसके बाद जो है दशहरा जो है शुरू हो जाता है, दशहरे की पूजा पाठ होती है। पीलीभीत से न्यूज़ इंडिया के लिए प्राण गुप्ता। देखिए, कोरोना से तो काफ़ी असर तो पड़ा ही हुआ, हर आदमी अपने लिए होशियारी बरत रहा है, अपने को सेफ रखना चाह रहा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा तो है कि दूरी बना करके रखे हैं, मास्क पहने हुए हैं। और अब कितना असर पड़ा है कि कितना श्रद्धालु अब यहाँ पे आ पा रहे हैं? श्रद्धालु इस वक्त तो फिलहाल आ रहा है पूरा, क्योंकि थोड़ा सा कोरोना ने शांति दी है थोड़ा, तो इस वक्त तो थोड़ा बहुत आ रहा है, अगले साल के देखते, इस साल तब भी थोड़ा बहुत आ रहा है यार। हाँ, यात्री यार, कोरोना काल से पहले की अगर बात किया, किस तरीके से यहाँ मेला लगता था? तब तो ठीक, अच्छा मेला लगता था, बढ़िया प्रतिष्ठा है माता की, लोग आ जाते थे। देखिए, क्वांटिटी और संख्या तो हम नहीं बता पाएंगे कि कितना गैदरिंग क्या हिसाब से होती, कितनी गिनती, मतलब भीड़ भाड़, हाँ, लेकिन अच्छी खासी भीड़ भाड़ होती है, और ये मेला लोकल होता है। मध्य प्रदेश के कटनी में मुख्य सड़कों की हालत जर्जर है, जहां पर चौका से पन्ना मोड़ बस स्टैंड, जगन्नाथ तिराहा से लेकर घंटा घर तक सड़क के परखच्चे उड़े हुए हैं, और सड़क में गड्ढे लगातार दिखाई देते हैं, जिसके चलते लोगों को आवागमन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे तो नगर निगम द्वारा कुछ जगहों पर मरम्मत कार्य की औपचारिकता कराई गई, लेकिन अभी भी अधिकांश सड़कों में जानलेवा गड्ढे हैं, जो आए दिन हादसे भी होते रहते हैं।
शहर में सिविल लाइन काम आज भी अधूरा पड़ा है, पर नगर निगम के अफसरों का इस पर कोई ध्यान नहीं जाता। स्थानीय निवासियों की माने तो नगर निगम ने बीते 5 सालों में कभी भी रोड निर्माण नहीं कराया है। कटनी जिले की सड़कें इन दिनों नाले में तब्दील हो गई हैं। आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं आने जाने वाले लोग। जहां तक नगर निगम की बात की जाए तो सीवर लाइन बनाई तो गई थी, लेकिन दोबारा उसका रिपेयर मरम्मत नहीं कराया गया, जिसके कारण सड़कों में भारी भरकम गड्ढे हो गए हैं और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कटनी से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए दिनेश प्रजापति। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने आज एक स्कूल पर हमला कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें से एक महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर है और दूसरे शिक्षक का नाम दीपक चांद है। बताया जा रहा है कि एक टारगेटिंग क्लीनिंग है। आतंकियों ने जहां हमला किया वो एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहां से दोनों शिक्षक आए हुए थे। सूत्रों ने बताया कि दोनों शिक्षकों को आतंकियों ने करीब से सिर में गोली मारी। स्कूल पर हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 2 से 3 थी। बताया भी जा रहा है कि हमला करने के बाद सभी आतंकी फरार हैं। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया, साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। घाटी में आम नागरिकों पर हमले की 7वीं घटना है। मंगलवार को आतंकियों ने 1 घंटे के भीतर 3 अलग-अलग जगहों पर हमला किया था, जिनमें से 3 लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित और मशहूर फार्मेसी बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी थी। वहीं एक अन्य आतंकी हमले में बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले विरंजन पासवान की भी मौत हो गई थी। जिले के जगदीशपुर छात्र क्षेत्र के वादे सैदापुर गांव निवासी 56 साल के विरंजन पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विरंजन पिछले 2.5 साल से श्रीनगर में रहकर गोलगप्पे बेचने का काम करता था और उससे होने वाली आमदनी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। और अब स्कूल में शिक्षकों पर हमला करना ये 7वीं घटना है, यानी जो आतंकियों की बौखलाहट है वो घाटी में एक बार फिर से देखने के लिए मिल रही है। स्कूल पर आतंकियों ने हमला किया, 2 शिक्षकों की जान चली गई है। लखीमपुर मामले की जांच करने के लिए प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। लखीमपुर मामले की जांच वो करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जांच के लिए प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया। बता दें कि एकल आयोग के मामले की जांच करेगा और जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर में ही बनाया जाएगा। बता दें कि आयोग को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी होगी। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस केस का टाइटल वॉयलेंस इन लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ रखा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और हीमा कोहली की बेंच के सदस्य हैं और इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। हालांकि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल अजय मिश्रा के पैतृक गांव में दंगल का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शामिल होना था, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि काफिला जो है वो पहुंचा था और ये काफिला जो मुख्यमंत्री जो मंत्री के बेटे का था वो इनको कुचलता हुआ निकल गया। और आरोप ये है कि अब तक आशीष की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एसआईटी का गठन भी हो गया है, 8 दिन का समय भी मांगा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई है और नियुक्ति की गई है। रिटायर्ड जज लखीमपुर मामले की पूरी जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर बना रहा है और स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में लिया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 318 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 24,602 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,44,000 से ज्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,38,94,312 मामले आ चुके हैं, जिनमें से अब तक कोरोना से 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
देश में अब तक 3,32,258 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 92 करोड़ के पार हो गया है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 43,09,525 डोज भी दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 92,63,00,000 से ज़्यादा है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के 14,31,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 57,86,00,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।